ना सुकून से जीना, ना चैन से सोना। बहुत मुश्किल है भगत सिंह का पाप होना। बचपन से ही कुछ अलग था मेरा भगत, एक दिन देखा मिट्टी में कुछ दबा रहा था। मैंने पूछा तो बोला, बापू इंकलाबी हो रहा हूँ, धरती में पिस्तौल बोल रहा हूँ, हजारों बंदूकें जन्म लेंगी एक बीज से, अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे कि इतनी गोलियां चलेंगी। मैं तभी जान गया कि ये गुरु गोविंद सिंह जी का लड़ाका है, अकेले ही 1,25,000 से लड़ेगा और सेहरा बांध कर घोड़ी नहीं फंदा चूम के फंसी चढ़ेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ये इंतहा की घड़ी है, हम कमजोर नहीं पड़ सकते। शायद आजादी का सूरज देखने के लिए मैं जिंदा ना रहूं, मगर हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसकी जीत हमारे मौत से है। आज तुम फिरंगी देखोगे कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी हंसते हंसते मौत को गले लगा लेते हैं। ना मुझे मौत का खौफ है, ना रब का यकीन। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। लेकिन आज सबको देखकर दुख होता है कि हम आजादी की कदर नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग तो सलमान खान के बालों व कटरीना कैफ के गालों पर मर गए, कुछ तो चेहरों व चालों में मर गए। ऊपर बैठे भगत सिंह भी कहते होंगे कि यार राजगुरु और सुखदेव हम भी किन इंसानों के लिए मर गए। जय हिंद, जय भारत।